बॉलीवुड की हसीना द ब्यूटीफुल रैविशिंग रवीना। आई एम सो एक्साइटेड मैन। आई नो तुम जप्पी मारने का चांस नहीं छोड़ते हो। नहीं, बीच बीच में करते रहेंगे 5-5 मिनट में। कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं चार्ज रहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तारीफ कर लेने दे। नजर में शोखियां जिसकी अदाएं कमाल है, क्यों भाई, है कि नहीं है? है जुल्फ जैसे काली रात, गालों का रंग जैसे गुलाल है। अल्फाज नहीं है मेरे पास मोहतरमा, क्या तारीफ करूं। हुस्न, अदाकारी और इंसानियत का ऐसा मिश्रण है कि कमाल है, कमाल है यारो, धमाल है। सर वाकई में दिल छू गया ये आपके जो शायरी थी, क्योंकि मैंने देखा है सब हीरोइनों की आप खूबसूरती की तारीफ करते ही हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात आपने जो कही वो इंसानियत के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं मानता हूँ, genuinely मानता हूँ। तो रवीना, आप सिद्धू जी के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए, ताकि वो भी इधर उधर ना देखें और हमारा भी दिल लगा रहे। जोरदार तालियां हो जाए रवीना के लिए। कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है, आप आई हैं तो मुझे पता था आप एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चलिए, शायद मैं आपके लिए नहीं आई हूँ आज। Then for whom you, मतलब मैं आज अपने बच्चों की वजह से आई हूँ। ओके, तुम्हारी वजह से नहीं। रियली, यू आर हर्टिंग मी। वेयर? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट यू आर हर्टिंग मी, पंक्चरिंग माय हार्ट। यार अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है ये, कहाँ सीखा पंक्चरिंग? आई नीड टू गेट माय, आई विल टेल यू लेटर। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रवीना के लिए, पहले जोरदार ताली होने, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। अब और जोर से होनी चाहिए। इन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। जैसे बड़ी सारी एक्ट्रेसेस होती है ना बाजी, कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी जाती हैं। हाँ। ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी तो जाती हैं, साथ में ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में छोड़ने के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ, विरासत, गुप्त, कुछ कुछ होता है, डर, आपने सारी फिल्में छोड़ी हैं आपने। तो जब ये कुछ कुछ होता हिट हो गई, आपको लगा नहीं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो कुछ कुछ गलत हो गया? नहीं, मैंने उस तौर पे मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की जरूरत है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। सो देन आई गेव द इंडस्ट्री रानी मुखर्जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अक्षय पाजी को छोड़ के बाकी सब एक्टर्स एक दो फिल्में साल की कर ही लेते हैं। हाँ। रवीना एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई इनकी। एक अकेला इंसान इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? आप अकेली थी या आपके अपनी कजन सिस्टर वगैरह को अपने जैसा मेकअप करके भेजा था? उस समय देखो ये मेथड एक्टिंग वगैरह थी नहीं, रोल तो एक ही था, वो रिच ब्रैट, रिच फादर, गरीब लड़के से प्यार, सॉरी रिच गर्ल, गरीब लड़के से प्यार। तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था, एक्टिंग तो वही करनी थी। नहीं पापा, नहीं छोड़ दो इसे, इसे गोली मत मारो, मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी। अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनेयर से की है। वो निशाना था हमारा था। अच्छा, आपकी जो 9 फिल्में आई है 1994 में, आपको याद है वो 9 फिल्में? नहीं। कोई 6? नहीं। कोई 3? हाँ बताओ फटाफट। मोरा, हाँ, इम्तिहान, दिलवाले। ठीक है, मैं आपसे फटाफट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है? सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। अच्छा, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है, सलमान खान, सनी देओल या सुनील शेट्टी? सनी देओल। यार अगर कभी भी ग्राउंड पिच को लेवलिंग करनी है ना आपको, हाँ, स्टीम रोलर की जरूरत नहीं है, सनी देओल जी और मुझे बुला लीजिए डांस करने के लिए, हम लोग करने। अच्छा, आजकल जितने भी लड़के नए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है या शाहिद कपूर है, कौन आपको बेस्ट लगता है, हॉट कौन लगता है? या फिर एक और नया लड़का है, बड़ी ग्रेट ओपनिंग लगी थी, कपिल शर्मा। मैंने सुना एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था। अरे नो नो, इज अ वेरी स्वीट, ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी स्वीट, बट उस समय मैं उनको जानती नहीं थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप, तो वैसे भी सेट पे हम लोग गेस्ट अलाउ नहीं करते हैं दैट टाइम, बिकॉज इट्स यू नो थोड़े इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये वो, थोड़ा एक डिसकम्फर्ट
होता है, कैमरामैन तो होते हैं, तो कैमरा ऑन करके चले जाते हैं। आप आपका एक मिनट क्लोजअप दीजिए, अब मैं जो बोलूं वैसे आप कीजिए जी। आप जरा ऐसे कैमरा में ऐसे बैठिए, ओके, थोड़ी जबान निकालिए बाहर, आंखें फाड़िए जबान और बाहर आनी चाहिए। रणवीर का ये एक्सप्रेशन था। पाजी, एक तो रवीना टंडन, ऊपर से बारिश में भीग रही हूं, तो कोई भी होता उसकी जुबान बाहर आ जाती। अच्छा, रवीना ने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स तो की हैं, बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं जिनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और हाल ही में इन्होंने एक और फिल्म की है मात्र। तो रवीना, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये किस इशू पे ऊपर है ये फिल्म? देखिए, वैसे फिल्में काफी ऑफर होती हैं, बट आई लाइक टू डू फिल्म्स व्हिच आर क्लोज टू माय हार्ट, जो जिस कॉज के लिए मैं बिलीव करती हूँ। एंड आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन हमारे देश में नहीं, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। तो ये फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेप्स दैट हैपेंड इन दिल्ली। रवीना, बहुत सारे सोशल काम जो हैं, बड़े सारे काम ऐसे करती रहती हैं, और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप जो फिल्म भी कर रही हैं ये भी एक बड़े अच्छे मैसेज के लिए कर रही हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारा देश बदलेगा। होप फॉर द बेस्ट। रवीना, आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? हाँ जी, बिल्कुल पिला दीजिए। यू लाइक टपरी की चाय? हाँ यार, वो थोड़ी कटिंग चाय पीते हैं मुंबई। मेरी तो है दुकान, आइए। अरे, आपकी दुकान? हाँ हाँ, आई हैव सो मेनी बिजनेसेस, ग्रुप ऑफ कंपनीज। आइए आइए आइए, प्लीज आप बैठिए, विराजमान होइए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाता हूँ। बताइए, आप कैसी चाय पीना पसंद करेंगी? थोड़ी मुंबईया टाइप कटिंग वाली, अदरक अदरक मार के थोड़ा। अदरक को क्यों मारना बेचारे को, क्यों, उसने क्या किया है? मैं अभी मतलब अभी ऐसी चाय बनाऊंगा ना, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, बस एक बार पता चल जाए गैस कहां से चलती है। ए शर्मा जी, हबीबी, जी हबीबी। आपने चोरी कर ली है या मैं बाद में आ जाऊं? बकवास कर रहे हैं। ओए ओए, रवीना टंडन जी मेरी दुकान पर आई हैं, मैं किसके मुंह लग रहा हूं? क्या हाल है रवीना जी? बस बिल्कुल ठीक है, चाय पिलवा दीजिए। बढ़िया। अच्छा जी। वैसे ये आपकी दुकान है? जी बिल्कुल, मेरी दुकान है। इन्होंने, अरे मैं तो ऐसे, इनके पास तो अपना पजामा नहीं है, दुकान कहाँ से आएगी? डैडी, डैडी! रवीना आंटी, नमस्ते। नमस्ते बच्चे। प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलो, इस आदमी के पास अब मुझे नहीं रहना। इन्होंने मेरा सारा होमवर्क गलत कर दिया, टीचर ने पोएम लिखने को बोला था, इन्होंने कुछ और ही लिख दिया, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, चॉकलेट खाने से दांत होंगे बेकार। बेटे, वो तो मैं बच्चों को मैसेज दे रहा था। बकवास ना करिए, अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाता पता, परसों इसको सिखा रहा था, लाल किला का था, मैंने बनाया। थप्पड़ मारो, तेरे को बच्चे को गलत मैसेज देता है। चलिए आइए, आपने वैसे भी बच्चे को काफी उटपटान चीजें सिखाई। इधर आइए, आप मुर्गा बनिए। चल मुर्गा बन, तू चाय बना, मुर्गा बन। हाथ नहीं जा रहे। मुर्गा ऐसे बना जाता है, देखो। इसको मैं तो रेडीमेड मुर्गा हूँ। पूरी प्रैक्टिस है इसको। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है सबसे, बताओ पहले अंडा कौन देगा? अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता नहीं अभी मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तुम लोग आर्गुमेंट नहीं करो, अभी इसका टाइम हो गया स्कूल जाने का, खजूर को छोड़ के चल। चलो बैग पकड़ो अपना बेटे, चलो आ जाओ।